ਜੀ ਪਾਲੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਨਵਾਂ ਲੋਈ ਨਵਾਂ ਲੋਈ ਆ ਸਭ ਤੋਂ सौ साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही उम्दा और बहुत ही सुंदर गाया है आपने। इंडियन आइडल क्यों नहीं जाते? इंडियन आइडल का भी सोचा नहीं है लेकिन दिल करता तो गा लेते हैं। तो चलो दिल से, तो तुमने गाया है कि 100 साल पुराना प्यार, तो तुम्हें पता है कि जिस दुकान के बाहर तुम अभी खड़े हो, ये जो दुकान है ये लगभग 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी दुकान? जी। आर यू सीरियस? 100 साल से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, छोले भटूरे समोसे ये सब खानों का लुत्फ ले रहे हैं जी। तो आई थिंक हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि ये 100 साल से अगर दुकान चल रही है तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। ये दुकान जो है वो लगभग 100 साल से चल रही है और लोग जो हैं वो यहाँ के पूड़ी चने और कुलचे चनों का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। तो चलो बिल्कुल आज बात करते हैं इनके साथ। मेरा नाम अमित है। अमित क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। अच्छा, घूमता ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पे आप ये पूड़ी चने खा रहे हैं कस्तूरी जी की हड्डी के, कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता है दुकान कितने साल पुरानी है? जी नहीं। ये लगभग 97 ईयर्स पुरानी है और यहाँ पे जो है इतना लोग जो होते हैं वो इस स्वाद का लुत्फ उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ क्या है? मुझे तो भाई पूड़ी छोले ही लगे। पूड़ी छोले? कुलचे चने ट्राई नहीं किए आपने? नहीं किए। अच्छा, तो पूड़ी चने की बात कीजिए तो क्या खासियत लगी आपको बाकियों के और इनके चनों में? ये चने तो अच्छे और पूरी पूरी फूलती बड़ी है। अच्छा, और क्या क्या मिलता है यहाँ? मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ। पता, पहली बार? तो पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा लगा बहुत। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि आओ और खा के जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अंश है, अंश कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG। LKG में? अच्छा जी, क्या खा रहे हो आप? पूड़ी चने। पूड़ी चने कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे। अच्छा, ज्यादा टेस्टी पूड़ी है या चने है? पूड़ी सबसे अच्छा है। पूड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आप घर पे ब्रेकफास्ट नहीं करते? करता हूँ। फिर आज क्यों नहीं किया? आज तो किया था। आज तो दो दो बार ब्रेकफास्ट कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि अभी आप पूड़ी खा रहे हो, आपको इसका टेस्ट कैसा लग रहा? अच्छा। अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो दर्शकों, अब यहाँ पे जो सिटी वाली इनकी शॉप है कस्तूरी जी की, यहाँ पे हमने पूड़ी चने खाए, कुलचा खाया और यकीन मानिए बहुत मज़ा आया। अब हम चलेंगे इनकी दूसरी ब्रांच में जो कि गांधीनगर में है, तो चलो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे खाना एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये हमारे बुजुर्गों ने जो दुकान खोली थी, हम उनके नाम को आगे चला रहे हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है। मैं आपकी सिटी वाली शॉप पे भी गया, वहाँ पे इतना रश जो था वो देखने को मिला। आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें दर्शकों को बताइए कि अब बाकियों में और आपकी पूड़ियों में या फिर आपकी जो छोले कुलचे हैं या चने हैं उनमें क्या जो है फ़र्क नज़र आता है? हम अरे चने और पूड़ियों में हम प्याज इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी, प्याज इस्तेमाल नहीं करते जी। बिल्कुल सिंपल और सादे चने बनाते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है जैसा ट्रेंड, वैसे मसाले डालते हैं कि उससे ना ज़्यादा घी निकलता है और ना ही कोई, सब खा सकते हैं। अच्छा, आप हमें बताइए कि चटनी की बात की जाए तो चटनी जो है वो बहुत ही लाजवाब है, उसके पीछे का कारण क्या है? चटनी में हम सिंपल चटनी बनाते हैं, उसमें अनारदाना, पुदीना, हरा धनिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं जी। तो उससे टेस्ट भी बढ़ता है जी और लोगों को पसंद भी आती है। और सर, अगर बात की जाए चने कुलचे की, तो चने कुलचे भी बहुत फेमस है, मैंने खुद टेस्ट किए हैं। कुलचा हम बनाते हैं जी। डिप कुलचा राजमा में भी मिलता है, चने में भी मिलता है जी। हाँ जी। और अगर बात की जाए पूड़ी चने की, तो क्या लगता है आपको ज़्यादा काम जो है वो आपका चने कुलचे का या पूड़ी चने का? पूड़ी चने का ज़्यादा काम है, बाकी हर आइटम का ज़्यादा काम है, कोई ऐसा काम नहीं है।
थोड़ी थोड़ी आइटमें सारी बिकती हैं जी। बाकी पूरी चना तो बिकती ही है। एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे अपने? आओ, हमने गांधीनगर में खोली है, वहाँ हमारे लिए सीटिंग भी है, 20-25 बंदे बैठ सकते हैं जी। और आइए खाकर देखिए, टेस्ट अच्छा लगेगा तो हमें बताइए, अगर कोई कंप्लेंट होगी तब भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जेके न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।